इन दोनों में से ये गाइस जो इंडिया का दूसरा पिजन है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने एक पाकिस्तानी और इंडियन पिजन को उड़ाया था, जिसमें यार हमने आपको कहा था कि आपने यार सिर्फ और सिर्फ 50 कमेंट करने थे। जो इंडिया का पिजन था उस पर इंडिया वालों ने कमेंट करने थे कि हमारा पिजन जीता है, और जो पाकिस्तानी थे उन्होंने पाकिस्तानी पिजन का बताना था कि पाकिस्तानी पिजन जीता है। लेकिन यार आप लोगों ने उस वीडियो पे 50 कमेंट पूरे नहीं किए, तो अभी हमने कोई भी सरप्राइज किसी पिजन को नहीं दिया। तो यार जल्दी से जो है उस वीडियो पे भी जाके 50 कमेंट पूरे कर दे, ताकि यार हम अपने पिजन को सरप्राइज दें। अगर इंडिया के पहले 50 कमेंट हो गए इंडिया वालों को सरप्राइज देंगे, और अगर पाकिस्तान वालों के हो गए तो पाकिस्तान वालों को जो है सरप्राइज देंगे, पिजन को सरप्राइज देंगे। अच्छा यार इसमें ना आपने ये भी कमेंट में लाजमी से बताना है कि पिजन को क्या सरप्राइज देना चाहिए, क्योंकि यार हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा सरप्राइज देना चाहिए। तो आपने कमेंट में लाजमी से बताना है कि पिजन को कौन सा सरप्राइज देना चाहिए। तो यार आपने इससे पिछली वीडियो पे रिस्पांस काफी अच्छा दिखाया था, तो हमने यार सोचा है कि आज जो है हम 4 कबूतर यानी जोड़े, 2 जोड़े, 1 कबूतर, 1 कबूतरी, फिर 1 कबूतर, 1 कबूतरी उड़ाएंगे। अच्छा एक जोड़े को हम बनाएंगे पाकिस्तानी फ्लैग लगाएंगे उस पे मुकम्मल तौर पे, कबूतर पे भी, कबूतरी पे भी, जोड़े पे, और जो दूसरा जोड़ा होगा गाइस उस पे जो है इंडिया का लगा देंगे। एक जोड़े पे इंडिया का परचम हो जाएगा, एक जोड़े पे पाकिस्तानी परचम हो जाएगा, और फिर उन दोनों को यार उड़ा देंगे, बहुत ऊंचा उड़ा देंगे, और फिर जो है गाइस देखेंगे कौन सा जो जोड़ा है वो विन करता है, और फिर आपके सामने उस जोड़े को भी जो है सरप्राइज देंगे। तो मैं हूं मोहम्मद जमील और आप लोग देख रहे हैं गोट वाला व्लॉग यूट्यूब चैनल। को हमारे व्लॉग पसंद आते हैं तो यार कोई अपना जो है इजहार भी किया करे, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बिल्कुल खाली पड़ा है। वीडियो को यार लाइक कर दिया करे और कमेंट में बता दिया करे कि आप लोगों के जो व्लॉग है बिल्कुल बकवास है या फिर ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करे। तो जल्दी से जो है आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज मैं हूं मोहम्मद जमील और आप लोग देख रहे हैं गोट वाला व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एक इंडिया का पिजन और एक पाकिस्तानी पिजन जो है फ्लाई करवाया था, बहुत ऊंचा इधर आसमानों में फ्लाई करवाया था, तो उसमें से यार जो हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 50 कमेंट करने हैं, जिस कंट्री के पहले 50 कमेंट हो गए, मतलब कि इंडिया वालों ने कहना था कि हमारा जो इंडिया वाला पिजन जो है उसने विन किया है, और पाकिस्तानियों ने बताना था कि जो पाकिस्तान का पिजन है उसने विन किया है। तो जिस कंट्री के पहले 50 कमेंट हो गए इंशाल्लाह हम उस पिजन को सरप्राइज दे देंगे। और यार आप लोगों ने लाजमी से बताना है कि पिजन को क्या सरप्राइज देना चाहिए। तो वो तो होगी यार पिछली वीडियो, उस पे आप लोगों ने जो है अपना टारगेट पूरा कर देना है। और जो आज की व्लॉग है दोस्तों, आज के व्लॉग में हम जो है तादाद बढ़ाने वाले हैं, एक मुकम्मल जोड़ा जो है पाकिस्तानी उस पे झंडा लगाएंगे, मतलब के झंडे वाला रंग करेंगे। एक जो जोड़ा होगा मतलब के एक पिजन, एक कबूतर और एक कबूतरी पे पाकिस्तानी झंडे वाला रंग करेंगे, और जो दूसरा कबूतर और कबूतरी हो गए उस पे इंडिया वाला जो फ्लैग है उसका कलर करेंगे। तो अभी गाइस जो जल्दी से है जो है हम कलर करते हैं और फिर आज का जो व्लॉग है वो शुरू कर। तो दोस्तों अभी जो है हमारे यहाँ पे पिजन पे जो रंग करने का काम है वो यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे देखे जो पाकिस्तानी पिजन हमने बनाना है, ये कबूतर है, कबूतरी है, तो अभी ये जो गाइस कबूतर को रंग कर दिया है हमने, जो कि ये जो पिजन हम रेडी कर रहे हैं ये कर रहे हैं पाकिस्तानी पिजन, जो कि माशाल्लाह आज बहुत ज्यादा उड़ेगा और जो है इंडिया के पिजन को हरा देगा। तो इंडिया वालों ने जो है लाजमी से बता देना है कि यार आज जो है कौन सा पिजन जो है जीतेगा। अच्छा ये भी हो सकता है कि टोटल, क्योंकि 4 पिजन है, एक कबूतर, एक कबूतरी जो है इंडिया का, इंडिया वाले हैं, और जो एक कबूतर और कबूतरी है वो पाकिस्तानी है, उन पे पाकिस्तानी फ्लैग लगेगा। तो यार ये भी हो सकता है कि इंडिया का कबूतर जीत जाए और पाकिस्तानी कबूतरी जीत जाए, या फिर इंडिया वाले या जो जो कोई भी जीत जाए। तो अभी यार फिलहाल जो है ना जल्दी से इनको फ्लाई करवाते हैं, लेकिन अभी जो है पहले रंग करने का काम जो है वो जारी है, पहले रंग हो जाए, क्योंकि यार रंग को थोड़ा सा जो टाइम है वो खुश्क होने में भी लगेगा। तो अभी जल्दी से जो है रंग खुश्क होने देते हैं पिजन पे, क्योंकि पहला जो पिजन हमारा कबूतर है जो पाकिस्तानी, वो जो है रेडी हो गया है, उस पर रंग वगैरह हो गया है, तो अभी जो है उसका रंग खुश्क हो जाए, फिर जो है जल्दी से जो है बाकी तीनों पिजन पे भी रंग करते हैं और फिर उनको फ्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा पिजन है उसको भी यहाँ पे कलर हो रहा है, इसका यार एक साइड वैसे ही कुदरती लाल है, इसलिए हम जो है इस पे नहीं करेंगे, क्योंकि यार फिर जो रंग इस पे सही नहीं लगना, और जो इसकी दूसरी साइड है वो बिल्कुल वाइट थी, और यहाँ पे जो है हम हरा कलर कर रहे हैं। तो यार गाइज अभी तक जो फिलहाल है हमारे 3 पिजन जो है वो फाइनल हो गए, उनको कलर वगैरह हो गया, जिसमें 2 पाकिस्तानी पिजन को कलर हो गया और एक जो तीसरा जो पिजन है उसको भी कलर
कलर हो गया था इंडिया वाला और अभी चौथे को भी हो गया। अभी सब कलर जो है फाइनल हो गए हैं, तो अभी जो है हमारे इनको उड़ाएं के अभी इनको जो है थोड़ा सुकून दें। तो यार मैं तो कह रहा था इन पे अभी ताज़ा कलर वगैरह किया है, थोड़ी देर इनका कलर सूख जाता फिर उड़ाते, फिर जो है अच्छी तरह से उड़ेंगे। तो लेकिन फिलहाल बस इनको उड़ाते हैं आपके सामने, देखेंगे यार आज जो है कौन सा जोड़ा विन करने वाला है। अच्छा दोस्तों, इसमें यार मुझे भी नहीं पता अब कौन सा जो पिजन है वो जीतेगा, कौन सा जो पिजन है वो हारेगा, मुकम्मल जोड़ा जीतेगा, अकेला जीतेगा, यार जो भी होगा वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और यार इसमें हम कोई भी जो है धोखा दही वाला काम नहीं कर रहे कि जो ज्यादा पिजन उड़ते हैं हम उनको पाकिस्तानी बना दें या उनको इंडिया वाले बना दें। जो हमारे सारे पिजन है वो तकरीबन बराबर ही उड़ते हैं, एक जैसा ही फ्लाई करते हैं। तो जो हमने ऐसी कोई चीटिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग मेरे कहीं करीब रहते हैं तो आप बेशक आके मेरे पास विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यार मैं आपको वाजे बता रहा हूँ हमारा जो यार आप लोगों से क्या झूठ बोलना या आप लोगों से क्या फ्रॉड करना, आपको बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी पिजन है सब एक जैसा फ्लाई करते हैं और आपके सामने जो है इनको फ्लाई करवा। तो गाइज अभी ये जो जवान है ये उड़ाएगा यहाँ पे पाकिस्तानी पिजन, पाकिस्तानी फ्लैग वाले पिजन, और यहाँ पे जो ये वाला जवान आपको नजर आ रहा है ये उड़ाएगा इंडिया वाले यहाँ पिजन। तो गाइज अभी जो यार देखना है कि इनमें से कौन सा पिजन जो है जोड़ा जो है फ्लाई ज्यादा करेगा और कौन सा जो है जीतेगा। तो अभी यार क्या फिर उड़ाए इनको, छोड़ो फिर। तो गाइज अभी जो है यार इनको फ्लाई करवा रहे हैं यहाँ पे और देखेंगे कि कौन सा पिजन जो है यहाँ पे ज्यादा फ्लाई करता है। और यहाँ पे ये देखे चारों पिजन यहाँ पे ये देखे अभी फिलहाल यार बराबर पे उड़ रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा पिजन जो है ज्यादा फ्लाई करेगा। अभी यार ये एक इंडिया वाला सबसे नीचे एक फ्लाई कर रहा है और बाकी यहाँ पे तीन जो है देखे यहाँ पे ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। तो अभी यार देखना ये है कि इनमें से गाइज कौन सा पिजन जो है विन करेगा। तो गाइज देखते रहना यार आपने व्लॉग एंड तक, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है व्लॉग में। तो अभी यहाँ पे आ गए हैं पिजन, आपको गाइज साथ साथ जो भी अपडेट होगी देते रहेंगे, हमारा क्या लगता है आपको। और गाइज यहाँ पे अभी फिलहाल चारों जो पिजन है वो बराबर फ्लाई कर रहे हैं। तो अभी जो है इससे पूछेंगे क्या लगता है आपको, हमारे इंडिया वाले बाद में बैठेंगे? इंडिया वाले बाद में बैठेंगे? नहीं जी, मेरे वाले बाद में बैठेंगे, मैं पाकिस्तानी हूँ। नहीं जी, तुम देख लेना, इंडिया वाले पाकिस्तान वाले जो है वो जीतेंगे, तुम्हारे हार जाएंगे, तुम देख लेना। देख लेते हैं पहले कौन से बैठते हैं आप, चलो पाकिस्तानी बैठेंगे, चलो देख लेते हैं फिर अभी पता लग जाएगा। तो ये है गाइज मेरा शेरू, इसको मैं आज लेके आया हूँ नीचे वाले पिंजरे में से, इसको मैं लगा रहा हूँ अपने ऊपर। ये जो अक्सर लोग बाइक के पीछे इसको उड़ाते हैं कबूतरों को, मैं भी इसको ऐसे ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ और आज से इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की है। इंशाल्लाह अगला व्लॉग बनाएंगे इसके ऊपर जो है, मुकम्मल व्लॉग बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि शेरू की ट्रेनिंग कैसी चल रही है और इसका मुकम्मल आपको जो है अता पता बताएंगे। तो ये तकरीबन कितने मंथ इसको लग जाएंगे? अभी इसकी जो एज है वो तकरीबन 25 दिन का है ये अभी, और तकरीबन ट्रेनिंग इसकी 1 मंथ तो लग ही जाएगा इसे। 1 मंथ में ये पिजन ट्रेन हो जाता है? ये हो जाएगा, ये देखें आज इसे पहला दिन है। अच्छा, ये फिर सिर्फ आपके हाथ पे बैठेगा या? नहीं नहीं, सिर्फ मेरे हाथ पे, बाकी किसी के हाथ पे नहीं बैठेगा ये। तो चले गाइज इसकी भी यार ट्रेनिंग चल रही है, जो कि इंशाल्लाह इस पे भी एक मुकम्मल व्लॉग बनाएंगे जो कि आपको दिखाएंगे। तो यार यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 पिजन नजर आ रहे हैं और यहाँ पे यार चौथा पिजन नहीं नजर आ रहा। अब मुझे नहीं पता इनमें से जो चौथा है वो पाकिस्तानी गायब है या फिर जो है इंडिया वाला पिजन गायब है फिलहाल। लेकिन जो भी है यार एक पिजन गायब है, अब मुझे नहीं पता कि वो बहुत ज्यादा ऊंचा चला गया या फिर जो है वो जो है कहीं नीचे आ गया है। लेकिन यार जो भी है यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 पिजन नजर आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ इनमें से, देखता हूँ कि जो कौन सा पिजन है यार गायब है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे गई एक पिजन जो है वो गायब है। सही यार, एक जो ये देखे इंडिया वाला पिजन जो है ना वो एक साइड पे यहाँ पे उड़ रहा है, जो पाकिस्तानी पिजन से अलहदा उड़ रहा है। और यहाँ पे क्योंकि यार अगर इंडिया वाला पिजन एक ही है तो जाहरी बात है कि फिर जो उसका दूसरा साथी था, अब मुझे नहीं पता कि वो कबूतर है या कबूतरी है, लेकिन वो फिलहाल कहीं उससे अलहदा हो गया। लेकिन फिर भी जो है यार इंडिया वाला पिजन जो है ये देखे सबसे ऊपर उड़ रहा है इस टाइम। ये देखे यहाँ पे यार इंडिया वाला जो पिजन है ना वो काफी ज्यादा ऊंचा फ्लाई कर रहा है और मुझे यार क्यों लग रहा है कि आज फिर जो है इंडिया वाला पिजन जीत जाएगा। तो यार इंडिया वालों ने लाजमी
आदमी से बता देना है कमेंट में, अभी से अपनी राय देनी है कि इंडिया वाला पिजन जीतेगा या फिर पाकिस्तानी पिजन जीतेगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें फिर जो है इधर सामने आ गए हैं। तो यार मैं जो है ना जल्दी से हमाद को बुलाता हूँ और उससे कहता हूँ कि जो हमारा चौथा पिजन गायब हो गया यार वो किधर गया, उसको भी ढूंढे। तो क्योंकि यार उसको भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कब तक ये एक ही पिजन जो है दो पिजन से मुकाबला करता रहेगा। यार तीन पिजन है, चौथा नहीं नजर आ रहा यार। वो ऊपर चला गया, वो काफी ऊपर गया हुआ है। वो देखो आप कैमरा इस साइड पे करो, वो देखो वो काफी ऊपर उड़ रहा है। किधर? वो काफी ऊंची ऊंचा गया हुआ है, कैमरे में मेरे ख्याल से तो नहीं नजर आएगा। तो गाइस एक मिनट यार, मुझे खुद नहीं नजर आ रहा। मैं वो देखो वो आ रहा है, इन तीनों के आगे देखो वो उड़ रहा है ऊपर। गाइस मुझे यार नजर नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई पिजन वगैरह नजर आ रहा है तो आपने लाजमी बताना है। यार मुझे जो लगता है ना कि जो इंडिया वाला एक पिजन है वो काफी ऊपर चला गया, काफी ऊंचा चला गया, और जो बाकी तीनों पिजन है वो यार नीचे, ये देखे आप सामने फ्लाई कर रहे हैं। तो अभी यार मुकाबला तो होने वाला है, क्योंकि मुकाबला हो रहा है और काफी सख्त मुकाबला हो रहा है। पिजन जो है बराबर फ्लाई कर रहे हैं, और यकीन करें जो इंडिया वाला पिजन है ये देखे, ये यार ऊपर जो है पाकिस्तानी पिजन जो है उनसे ऊपर यहाँ पे फ्लाई कर रहा है। अभी यहाँ पे ये देखे, यहाँ पे जो तीनों पिजन फ्लाई कर रहे हैं, चौथा पिजन इनमें से गायब हो गया, जो कि पता नहीं आप किधर गए। और ये देखे इंडिया वाला पिजन अलग ही है, अपनी मस्ती में मौज में उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है। अभी ये देखे ये इस साइड को चला गया इंडिया वाला पिजन, और जो पाकिस्तानी पिजन है वो इस साइड पे फ्लाई कर रहे हैं। मतलब के पता नहीं यार ये पिजन इकट्ठे नहीं रहना चाह रहे या जो भी इनका सीन है, लेकिन ये फिलहाल एक दूसरे से अलग अलग फ्लाई कर रहे हैं। अभी ये देखें इंडिया वाला पिजन जो है ऊपर यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, और पाकिस्तानी पिजन में आपको दिखाऊं तो ये भी इसके साथ यहाँ पे देखे फ्लाई कर रहे हैं। और ये जो है पिजन, ये देखे इसके काम देखे, ये मुझे क्यों लग रहा है कि अभी बैठ जाएगा। नहीं गाइज ये फिर जो है इसने फ्लाई स्टार्ट कर दी है। शायद इसे जो है अपनी कंट्री का, अपने मुल्क का काफी ज्यादा ख्याल है, और ये सोच रहा है मैंने अपने मुल्क को जिता कर ही रहना है, जिता कर ही बैठूंगा। जब तक पाकिस्तानी पिजन नहीं बैठते तो अभी ये देखे यहाँ पे फिर तीनों इकट्ठे हो गए हैं, और मुझे जो लगता है कि ये तीनों इकट्ठे ही शायद बैठ जाए। चौथे पिजन का अभी कोई पता नहीं वो किधर गया है किधर नहीं गया, तो देखते हैं गाइज फिलहाल क्या बनता है। तुम्हारा इंडिया वाला पिजन किधर है? मेरा इंडिया वाला कबूतर ऊपर उड़ रहा है। मुझे दिखाओ किधर है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। तुम हार गए हो। ये देखो ये इनके साथ उड़ रहा है। मुझे दिखाओ, मुझे नहीं नजर आ रहा। तुम हार गए हो, तुम इंडिया वाले हार गए, पाकिस्तान वाले जीत गए। दिखाओ मुझे जल्दी से, दिखाओ जल्दी करो, दिखाओ दिखाओ यार किधर है तुम्हारा पिजन? तुम हार गए हो। किधर है? मुझे नहीं नजर आ रहा, काफी देर से नहीं आया, वो गायब हो गया। नहीं है इनके साथ, कहीं नहीं है वो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किधर गया वो। ये देखो ये आपके वाला दूसरा भी बैठ गया। ये यार हार जाओगे। तो गाइज ये यार सच में यहाँ पे तीन पिजन है, और जो एक इंडिया वाला पिजन है वो इधर हमने देखा था, इधर गया था यार, अभी किधर गया है? तो गाइज अभी यहाँ पे जो पिजन है वो हमारे बैठने लगे हैं आई थिंक। नहीं गाइज ये फिर जो है फ्लाई कर गए यार। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमारे जो तीन पिजन यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं अभी, क्योंकि यार ये दोनों भी यहाँ पे झगड़ा कर रहे थे, लेकिन सच में यार एक जो इंडियन पिजन है वो अभी यहाँ पे गायब हो गया, और ये देखे एक अभी यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, और यहाँ पे दो पाकिस्तानी पिजन, यानी कि मुकम्मल जो जोड़ा है वो भी यहाँ पे फ्लाई कर रहा है। तो अभी यार देखना है कि कौन सा जो पिजन है वो इनमें से जीतेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखे ये जो हमारा इंडिया वाला पिजन था यार, ये पता नहीं अब कहाँ से वो देखे ये दूर तारों पे बैठ गया। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखे कि जो इंडिया वाला पिजन है वो यहाँ पे एक बैठ गया है, और बाकी जो है अभी ये देखे तीनों जो पिजन है वो यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे बराबर फ्लाई कर रहे हैं। गाइज यहाँ पे माशाल्लाह देखे आपको नजर आ रहे होंगे हमारे जो दो घरों पे पाकिस्तानी परचम लगे हुए, माशाल्लाह पाकिस्तानी परचम यहाँ पे लहरा रहे हैं, और यार काफी ज्यादा प्यारे भी लग रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अब कहानी में काफी ज्यादा ट्विस्ट आ गया, क्योंकि एक पाकिस्तानी पिजन भी यार गायब हो गया, पता नहीं अब किधर गया। अब लेकिन यहाँ पे एंड पे जो है पाकिस्तानी और इंडियन पिजन जो है फ्लाई कर रहे हैं दोनों। अभी फिलहाल एक इंडिया वाला तो यार ये देखे ना सामने बैठा हुआ नजर आ रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखे इंडिया वाला यहाँ पे पिजन बैठा हुआ है, और यहाँ पे जो पाकिस्तानी पिजन का यार अभी नहीं पता लग रहा कि वो किधर गया है। तो बाकी यहाँ पे देखे ये दोनों पिजन बराबर यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, जिसमें से एक इंडिया, ये जो पीछे फ्लाई कर रहा है ये इंडिया वाला है, और ये जो फ्लाई कर रहा है ये पाकिस्तानी पिजन है। तो अभी यार जो है
इनके बैठने का वेट करेंगे कि कौन सा पिजन जो है इनमें से पहले बैठेगा और हारेगा। तो अभी फिलहाल इन दोनों में से ये गाइस जो इंडिया का दूसरा पिजन है और ये पाकिस्तानी भी बैठ रहा है इधर। ओ यार शिट, ये क्या हो गया गाइस, ये आज फिर दोनों बराबर पे बैठ गए हैं। यार मुझे जो लगता है वो ये दोनों बराबर पे बैठ गए हैं। ओ मेरा जीत गया, नहीं जी मेरे वाला जीत गया, मेरा वाला पाकिस्तान वाला जीत गया, पाकिस्तान जिंदाबाद है, आपके वाला हार। यार रुको रुको, दोनों इकट्ठे बैठे हैं यार, दोनों इकट्ठे। नहीं नहीं, पाकिस्तान वाला जीत गया है, आप वीडियो में देख लेना, पाकिस्तान वाला फाइनली जो है आज जीत गया, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया वाला बाद में बैठा है, इंडिया जिंदाबाद। नहीं जी आपने नहीं देखा, आपने गौर नहीं किया। यार मैं खुद वीडियो बना रहा था, यहाँ पे दोनों बराबर पे बैठे हैं, बराबर पे नहीं बैठे, आज पाकिस्तान वाला जीत गया है, मुकम्मल साफ नजर आ रहा है वीडियो में, देख लेना आप। अच्छा पहले कौन सा पिजन बैठा है, बाद में कौन सा बैठा है ये बताओ। बाद में पाकिस्तानी बैठा है और पहले जो है इंडिया वाला बैठा है। नहीं नहीं यार आप बताओ, पहले पाकिस्तानी बैठा है फिर इंडिया वाला वो बैठा है। तो यार गाइस फिर वहीं पे बात आ गई है यार कि ये दोनों फिर झगड़ा कर रहे हैं कि जो इंडिया वाला है वो कह रहा है भाई इंडिया वाला पिजन जो है वो जीता है और जो पाकिस्तानी है वो कह रहे हैं पाकिस्तानी पिजन ने विन किया है। तो गाइस यार आपने वीडियो जो है ना बेशक पूरी ना देखना, लेकिन जो इतना पार्ट था ना वो लाजमी से यार देखना है, चेक करना है कि कौन सा पिजन जो है बाद में बैठा था और कौन सा पहले बैठा था। और आपने यार कमेंट में फिर लाजमी से बता देना है कि कौन सा पिजन जो है विन किया है उसने, और जो है फिर उसको इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे। अभी आपने पिछली वीडियो पे भी 50 कमेंट पूरे नहीं किए, यार उस पे भी 50 कमेंट कर दो और जो है हम उस पिजन को जो है सरप्राइज दें, उसके लिए नाम रखें। और यार आपने ये लाजमी से कमेंट में बता देना है कि उसको क्या सरप्राइज देना चाहिए, कौन सा सरप्राइज देना चाहिए। तो यार मिलते हैं आपको नेक्स्ट इसी तरह के किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह।